बाकी 22 में जब वोट मांगने जाइएगा नेताजी तो यही जनता रहेगी, सवाल पूछेगी तो क्या मुंह दिखाएंगे, आप लोग तय कर लीजिएगा। बाकी एसी वाले कमरों से निकलिए, फॉर्चूनर से निकलिए। अच्छा, पोस्टर लगा हुआ है। अच्छा, अच्छा। इनका बहुत बड़ा है कि यही यहाँ से मारेंगे, बुझा रहा है। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा सामने है इसलिए बड़ा। नहीं, हम नहीं जान ही नहीं रहे थे भाई। हम पढ़े नहीं, नहीं 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 सही बताइए, सही सही पहले बताइए। पांडे हैं, पांडे हम नाम, नहीं थे। आप सामने तब तारीफ कर रहे हैं। हम देखा ही नहीं हूँ, चिन्ह नहीं पा रहा हूँ। लड़का देख रही है, देख रही है ना, देख रही है। खुद आज 15 साल से ऐसे मर रहे हैं, 15 साल से मर रहे, कोई नहीं आ रहा है। 15 साल हो गए, जनता देख रही है, जनता देख रही है। वोट लेकर घोड़े पर गिर कर चला जा रहा है पंचायत वाला जिला। पानी में कोई नहीं हल रहा, पानी में कोई नहीं हिलता, खाली आ जाएगा वोटे के टाइम में घोड़े पर। जनता सब देख रही है, देख रही है सर। पूछ लीजिए जितना हो रहा था सब। जनता देख रही है, हाँ देख रही है। क्या देख रही है जनता? पानी में हम लोग का क्या देख रही है चाचा? जनता सब परेशान, हम लोग कोई मदद करना जनता ये देख रही है कि कोई सत्ताधारी नेता नहीं आया। ये आए हैं भाई, कान कहाँ के, किसी अखिलेश के बेचारा पार्टी के आए, यही एक आए हैं इतना दिन में। हाँ मनीष भैया भी हैं, मनीष पांडे। हाँ नमस्कार, मैं हूँ विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। इस वक्त हम लोग चिल्लू पार विधानसभा क्षेत्र में है, जगह का नाम है कोहड़ा भौर, जो कि बड़ालगंज से आगे पड़ता है। और मेरे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी के बड़े नेता चिल्लू पार में इस समय बहुत ही प्रभावी ढंग से चल रहे हैं लगातार दिन रात। बाकी इनकी मेहनत कितनी रंग लाएगी ये देखने का विषय होगा। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मनीष पांडे जी मौजूद हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि हम लोग कितने पानी में इस वक्त खड़े हैं। जहां पे सरकार का राहत सामग्री नहीं पहुंच पा रहा है, वहां वहां पे जाके समाजवादी के लोग उस जगह पे जा रहे हैं। चूँकि मैंने कई जगह पे देखा, जिस हिसाब से सरकार द्वारा जो राहत सामग्री बांटा जा रहा है वो बाढ़ पीड़ित इलाकों में जो असल में जहाँ पे पहुँचना चाहिए वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहा है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे इस तरह के, मैं इस काम की प्रशंसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप सोचिए कि हम लोग कितने पानी में हैं और इतने पानी में घुस के। और उस पार मैं चाहता हूँ अपने कैमरामैन से उधर दिखाएं एक बार, ग्रामीण कितनी शिद्दत के साथ इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई आए और राहत सामग्री हमें पहुँचाए। मनीष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इनसाइड भारत टीवी पे। ये सब आप तो सत्ता में नहीं है ना, विधायक हैं, कुछ भी नहीं है, ये सब करने की क्या ज़रूरत है? बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का आह्वान है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो लोग भी पीड़ित हैं, वंचित हैं, समाजवादी लोग उनकी मदद करें। तो पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी लोग जो है ज़रूरतमंदों की आज मदद कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग आज चिल्लू पार विधानसभा के आज खड़ेसरी गांव में हम लोग आए हुए हैं। आने के बाद यहां पता चला है कि जा नहीं पाएंगे तो किसी तरह से हम लोग जो है, ये देखिए थर्माकोल का एक व्यवस्था है, इसी के तहत ये ग्रामीण व्यवस्था है और इसी के तहत हम लोग इसी पर राशन सामग्री अपना रख करके उस पार चलेंगे और ज़रूरतमंदों तक पहुंचाया जाएगा। और हम लोग धीरे धीरे चलते भी रहे, बातचीत होती रहेगी। और यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि पानी बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा लबालब भरा हुआ है और ग्रामीणों की क्या दशा होगी। और यदि वहाँ पे राहत सामग्री, सरकारी राहत सामग्री नहीं पहुँच पा रही है तो ये अपने आप में बहुत ही गैर जिम्मेदारी वाली बात कही जाएगी। क्योंकि कोई भी अधिकारी, अभी मैंने ग्रामीणों से जब बात किया तो ग्रामीणों ने बताया कोई भी सरकारी अधिकारी यहाँ तक नहीं पहुँचा। और इस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता मनीष पांडे यदि यहाँ पे आते हैं और इतने पानी में अगर घुस के जाते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मनीष जी क्या लगता है चुल्लू पार, अब चूँकि लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, ब्राह्मणों को टिकट दिया जाएगा हर पार्टी से, क्या लगता है समाजवादी पार्टी इस बार अपनी लड़ाई किस तरह से लड़ेगी? सर देखिए, ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है इसमें तो कोई शंका नहीं, पे थोड़ा सा रुक जाइए। ये गोरखपुर जनपद की सबसे बड़ी ब्राह्मण आबादी की विधानसभा है। अब पार्टी का निर्णय है कि पार्टी इस पे किसको लड़ाती है। हम अपनी पूरी तैयारी कर ली हैं और हम लड़ने के लिए तैयार हैं, एकदम पूरा एकदम जोश और खरोश के साथ दिन रात और चल रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा तो कितना दिन हो गया, मुझे जहाँ तक पता चला कि जब से बाढ़ आया लगातार अब चल रहे हैं, कितना दिन हो गया आपको राशन बांटते? बाढ़ में हम आज हमारा 3रा दिन है और एक दिन दौड़ा किए थे। जैसे हम आए थे, हम देखे पहले, चूंकि हम बाढ़ में तो हम लोग बहुत आए नहीं, लेकिन आए तो एक दिन हम सोचे चल कि पहले ग्रामीणों की ज़रूरत को देखा जाए कि क्या ज़रूरत है। तो हमने एक दिन भ्रमण किया, सर्वे किया कि यहाँ कहाँ का ज़रूरत किया, उसके बाद व्यवस्था किया, उसके बाद आज 3रा दिन है बाढ़ का हमारा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हम लोग पानी में हल्के और इस पार पहुंचने में हम लोग लगभग पहुंचने वाले हैं। और बातचीत और भी जारी रहेगी लगातार, लेकिन
अभी के लिए इतना ही। और जिस हिसाब से मैं बता दूं कि ग्रामीणों से अभी मैं अभी बात किया था, और अभी यहाँ पे कुछ और ग्रामीण हैं, इनसे भी बात करूँगा और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर अब चूंकि इतने पानी में हल के कितने लोग, कितने नेता, कितने सरकारी अधिकारी आए हैं, इन लोग से बात होगी। चाचा चाचा, यही गाँव है खबर? हाँ। का ना पड़ी? कल्पनाथ। अच्छा, ये बताओ कि एक पहले भी क्यों आई लल है? सरकारी कोई राहत सामग्री यहाँ पे पहुँचा था? क्या नाम है आपका? श्री भागवत। भागवत नाम है? तो यहाँ पे सरकारी राहत मोदी जी होगी जो वाला जो पोस्टरवा लगा है गत्तवा, वो नहीं पहुँचा है? कहाँ? पता नहीं क्यों पहुँचा। कहाँ नहीं पहुँचा है? पता नहीं क्यों पहुँचा। सरकारी अधिकारी कोई नहीं आया था? विधायक सांसद कोई? कोई नहीं आया। सांसद जी नहीं आए थे? क्यों नहीं आया था? कौन है सांसद? योगी जी। योगी जी यहाँ के सांसद नहीं ना है? यहाँ के तो कमलेश पासवान होंगे। नहीं आए? तो ये पहली बार आपके वहाँ राहत सामग्री पहुँच रहा है? कितनी समस्या, क्या क्या समस्या आपको झेलने को मिल रही है? इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। अरे इधर आइए, क्या कह रहे हैं? बस सर रास्ता नहीं हम लोग के पास। हम लोग 20 साल से केवल पानी में 20 घर है यहाँ, 10 घर जो है, 15 घर जो चमरौटी हरजन है, 4 घर ब्राह्मण है, 2 घर महमदन है। यहाँ हम लोग पीड़ित है पानी से। हर साल हम लोग के घर में पानी हल जाता है। यहाँ कोई प्रधान न कोई नेता कोई नहीं सुनता है। वोट लेने के लिए सब लोग जो है आते हैं, वोट लेके भूल जाते हैं, सब लोग चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, मेरे कैमरा मैन से थोड़ा पास आइए। यहाँ पे क्या क्या, एक मिनट, यहाँ पे राहत सामग्री आप देख सकते हैं, यहाँ पे है। अब मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि इसमें क्या क्या है। अब मनीष जी आप थोड़ा आगे आ जाइए, मैं चाहता हूँ कि आप बताएं इसमें क्या क्या है। कैमरा मैन थोड़ा जूम करके दिखाइए। ये लाई है, और यहाँ पे ये तेल रखा हुआ है, और ये मसाला है। यहाँ पे पूरा प्याज और चावल, आटा, हल्दी, नमक नमक है, और ये पॉलिथीन में भी दाल रखा हुआ है, और ये प्याज है। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि वो है भैया। हल्ला नहीं। एक मिनट, बात हो रही है, बात हो जाने दीजिए, फिर हल्ला कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक रसोई में जो जो जरूरत के सामान है, जितना हो सकता है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक पैकेट लगभग कितने किलो का होगा? एक पैकेट लगभग 15 किलो होगा। 15 किलो, तो 15 किलो का लगभग एक पैकेट। और यहाँ पे और भी बोरे वोरे वगैरह सब कुछ है यहाँ पे, और आटा, चावल, दाल, जिससे मतलब कि किसी तरह से 15 दिन रोजी रोटी चल सके, इतनी व्यवस्था है। 10-15 दिन की रोजी रोटी हो सके यहाँ पे हमारे साथ। आपका नाम सर बता दीजिए। धर्मेंद्र यादव जी, ये भी युवा नेता है और लगातार मनीष जी के साथ चल रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे आपका भी फोटो लगभग इनके साथ हमेशा दिख जाता है। तो सर अभी यहाँ के बाद आप लोग कहाँ जाएंगे? भैया यहाँ के बाद हम लोग, हमारे साथी हैं, सबको मिलेगा। थोड़ा शांत रह ले जी। यहाँ के बाद हम लोग देखिए जगदीशपुर जा सकते हैं जी। जी हाँ, मतलब आप पूरा सर्वे किए हैं कि जहाँ पे कोई नहीं पहुँच रहा है वहाँ पे जाना रहे हैं। जहाँ कोई राशन नहीं दिया हुआ है, जहाँ दिए हैं वहाँ तो देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो न पाया उसको हम लोग चाह रहे हैं कि वहाँ तक पहुँच जाए। अच्छा, स्टेटस लगा था क्या, पता नहीं क्या सुख में कुछ ऐसे लगा था आपका कि सुख का साथी दुख का साथी ऐसे कुछ था? मैं चाहता हूँ कि एक बार वो लाइन आप बोल दीजिए। सुख का साथी हूँ और दुख में भी साथ रहेंगे। सुख में भी साथ रहेंगे और दुख में तो रहबे करेंगे। तो ये थे समाजवादी पार्टी के नेता, मैं ये कहूँगा कि कर्मठी नेता, क्योंकि देखिए नेता वगैरह लोग कहाँ ऐसी जगहों पे दिखते हैं, कभी नहीं दिखते हैं। अगर आप देख रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात है। बाकी देखना ये है कि 22 का चुनाव है, उसके बाद भी यदि सत्ताधारी पार्टी अगर मेहनत नहीं कर रही है, ऐसी जगहों पे नहीं पहुंच रही है, तो ये बड़े शर्म की बात है, क्योंकि वो चाहते हैं कि बड़े बड़े नेताओं के नाम पे वो बस वोट लेना जानते हैं, लेकिन आम जनता के बीच में कौन नेता है ये देखने का विषय होगा। और जनता सब देखती है, जनता सब कुछ देखती है। चाचा देख रही है ना, खुद आज 15 साल से ऐसे मर रहे हैं। 15 साल से मर रहे, कोई नहीं आ रहा है। 15 साल हो गया, जनता देख रही है। वोट लेकर घोड़े पर गिर कर चला जा रहा है पंचायत वाला जिला। पानी में कोई नहीं हल रहा है, पानी में कोई नहीं हिलता, खाली आ जाएगा वोटे के टाइम में घोड़े पर। जनता सब देख रही है। देख रही है सर, पूछ लीजिए जितना हो रहा था सब। जनता देख रही है। हाँ देख रही है। क्या देख रही है जनता? पानी में लोग का घर द्वार डूबा, जाने आने का रास्ता नहीं है। और जनता और क्या देख रही है? चाचा जनता सब परेशान, हम लोग कोई मदद करना जनता नहीं। ये देख रही है कि कोई सत्ताधारी नेता नहीं आया। ये आए हैं भाई, कान कहाँ के, किसी अखिलेश के बेचारा पार्टी के आए, यही एक आए हैं इतना दिन में। हाँ मनीष भैया भी हैं। हाँ हाँ यही हैं।
नाम आपने सुना था कि नहीं इनका? नहीं सुना, हमारा एक लड़का गया था परसों, वो इनके बता रहा था भरसे में। अच्छा, पोस्टर लगा हुआ है। अच्छा, अच्छा। इनका बहुत बड़ा है कि यही यहाँ से मारेंगे बुझा रहा है। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा सामने है इसलिए बड़ा। नहीं, हम नहीं जान ही नहीं रहे थे भाई। हम पढ़े नहीं, नहीं 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 सही बताइए, सही सही पहले बताइए। पांडे हैं, पांडे हम देखे आप सामने तब तारीफ कर रहे हैं। हम देखा ही नहीं हूँ, चीने नहीं पा रहा हूँ। लड़का बताया जैसे आप पढ़े लिखे हैं। अच्छा, जितेंद्र पांडे जी उठ रहे हैं तो सब मिला जुला के मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा, सभी लोगों से, देखिए ये पार्टी देखने का समय नहीं है, समय है निस्वार्थ वार्थे भाव से इन तमाम पीड़ित लोगों को जिनके पास रहने खाने की व्यवस्था सही से नहीं है, पानी में हल्के आना जाना पड़ रहा है, ऐसे लोगों का साथ दिया जाए, ऐसे लोगों का सपोर्ट किया जाए निस्वार्थ भाव से। बाकी 22 में जब वोट मांगने जाइएगा नेताजी तो यही जनता रहेगी, सवाल पूछेगी तो क्या मुँह दिखाएंगे, आप लोग तय कर लीजिएगा। बाकी एसी वाले कमरों से निकलिए, फॉर्चूनर से निकलिए और पानी में घुसिए। जब तक पानी में नहीं घुसेंगे तब तक जनता नहीं देखेगी। बाकी कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं आशुतोष, मैं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं।